हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर। फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड द महाजनपद्स ऑफ मध्य प्रदेश। मूविंग अहेड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द मौर्यंस ऑफ मध्य प्रदेश। तो आज के लेक्चर में हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मौर्यन एम्पायर ऑफ मध्य प्रदेश। So as we all know that the term period of Mauryan Empire was from 323 AD to 184 AD. Now the first and very basic question arises is कि हम लोगों को ये Mauryans के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। So what were the various sources from which we got the information about the Mauryan Empire? So अगर हम literature की बात करते हैं, so we get information from कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ये बहुत मोस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सोर्स है हमारे लिए, जिससे कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर देन कौटिल्य अर्थशास्त्र, वी हैव विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो ये हम लोग जानते हैं कि मुद्रा राक्षस, दिस इज रिटन बाई विशाखदत्त। तो इससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर देन दिस, अगर हम बात करें सोमदेव की, तो इनके द्वारा कथा सरित सागर लिखा हुआ है, इससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर देन दिस, अगर हम शिमेंद्र की बात करें तो वृहत कथा मंजरी, इनके द्वारा क्या लिखा हुआ है, वृहत कथा मंजरी। सो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर फ्रॉम वृहत कथा मंजरी, ऑल्सो रिटन बाई सोमदेव। अदर देन दिस, अगर हम पतंजलि की बात करें तो उनके द्वारा जो महाभाष्य लिखा हुआ है, हमें महाभाष्य से भी मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो हमें दीपवंश, महावंश और दिव्य वदान, इनसे जो है हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। और अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करें तो जैन टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कल्पसूत्र, विच इज रिटन बाय भद्रबाहु, और परिशिष्ट वर्मन, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको वेरियस रिसोर्सेज बताए थे जहां से कि हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंद वंश का जो लास्ट रूलर था धनानंद, ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के फादर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर जो है इनको लेकर के कहाँ जाती हैं, पाटलिपुत्र आ जाती हैं, और पाटलिपुत्र में इनका जन्म होता है। इनिशियली पाटलिपुत्र में जब ये आ जाते हैं तो इनिशियली शुरू में इनका जो पालन पोषण है एक कैटलमैन के द्वारा किया जाता है, और बाद में इनको जो है एक हंटर के द्वारा पाला जाता है। बचपन में जब ये खेल खेला करते थे तो खेल खेल में एक ये न्याय देना, एक जस्टिस देने का खेल खेला करते थे, और ये जिस प्रकार से न्याय दिया करते थे वो एक बहुत ही आप कह सकते अद्भुत देखने को मिलता था। तो ये जो न्याय देने का जो खेल था, इस खेल को कौटिल्य के द्वारा देख लिया गया था। इससे कौटिल्य बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रभावित हो गए थे, और कौटिल्य जो है इनको अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, तक्षशिला ले जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये इनको कई क्षेत्रों में शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। अब ये आप सभी लोग जानते हैं कि धनानंद के द्वारा जो है कौटिल्य की बेइज्जती की गई थी। तो कौटिल्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एजुकेशन देना, आप कह सकते हैं एक कारण ये भी था कि वो धनानंद को हराना चाहते थे, पराजित करना चाहते थे। और इसके अलावा जो भी ग्रीक इन्वेडर्स जो थे उनको भी भारत से बाहर करना चाहते थे। सो इन ऑर्डर टू डिफीट धनानंद एंड टू एक्सपेल द ग्रीक इन्वेडर्स, ही एजुकेटेड चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो था कुछ इनिशियल लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमको ये देखने को मिलता है कि एट द एज ऑफ 25 ही डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर घनानंद विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और
नाम हुआ करते थे, तो कौन कौन से नाम के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। तो अगर हम स्ट्रैबो और जस्टिन की बात करें तो स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा जो है इनको सेंड्रोकोट्स कहा गया था। क्या कहा गया था? सेंड्रोकोट्स कहा गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। या सेंड्रोकोट्स जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया था, तो दिस वॉज यूज फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा ये वर्ड दिया गया था, तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। अदर देन दिस अगर हम बात करें एरियन और प्लूटार्क की, तो एरियन और प्लूटार्क के द्वारा इनको एंड्रोकोट्स कहा गया था। फिर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, एंड्रोकोट्स किसके लिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और किन्होंने कहा था, तो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। इसके अलावा ये सभी लोगों ने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ग्रेट रूलर। क्यों थे ये ग्रेट रूलर, तो इसके पीछे हम आपको एक रीजन बताएंगे कि इन्होंने जो इंडियन टेरिटरीज थी उसका भी बहुत ज्यादा एक्सपांशन किया। इसके अलावा भारत में, इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग और वास्ट एम्पायर भी इन्होंने खड़ा किया था। आप कह सकते हैं अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑल्सो। और इसके अलावा आपने सेलुकस निकेटर का नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को भी डिफीट किया था। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको दिए हैं व्हाई ही इज नोन एज द ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। अगर हम ब्राह्मण लिटरेचर की बात करें, तो ब्राह्मण लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। इसके अलावा अगर हम जैन और बुद्ध टेक्स्ट की बात करें, तो इसमें इनको क्षत्रिय कहा गया है। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को लोअर कास्ट का बताया गया है। और इसके अलावा अगर हम प्लूटार्क और जस्टिन की बात करें, तो इसमें इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पुअर क्लास से बताया गया है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे ब्राह्मण लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। अगर हम बात करें जैन और बुद्ध टेक्स्ट की, तो इसमें जो है इनको क्षत्रिय कहा गया है। अगर हम विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस की बात करें, तो इसमें विशाखदत्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को लोअर कास्ट से बताया गया है। और अगर हम प्लूटार्क और जस्टिन की बात करें, तो इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पुअर क्लास से बताया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा, ये यहाँ से भी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अवंती इन्वेजन की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अवंती को जीता गया था, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो मगध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप कह सकते हैं कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया को भी जीता था। तो अवंती को जीता, और जब इन्होंने अवंती को जीत लिया था, तो ही केम टू बी नोन एज अवंती अधिपति। तो जब अवंती को जीत लिया था, तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अवंती अधिपति भी कहा जाने लग गया था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से ये बन के आता है कि अवंती अधिपति किसे कहा जाता था, हु वॉज नोन एज अवंती अधिपति, सो ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अवंती अधिपति किसे कहा गया था और क्यों कहा गया था। तो इन्होंने शुरू में क्या किया था कि पहले पूरे नॉर्दर्न इंडिया को जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके बाद अवंती को भी जीत लिया था, अवंती राज्य को भी जीत लिया था, एंड देन ही केम टू बी नोन एज अवंती अधिपति। इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में, यदि हम सौराष्ट्र रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो है इसको भी इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, और पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ इन्होंने एक सुदर्शन झील, एक सुदर्शन लेक को का भी कंस्ट्रक्शन किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन फिर से आपको हो सकता है पूछ लिया जाए, दो तीन ऑप्शन दे दिए जाए कि इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या नहीं किया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा कि सुदर्शन लेक जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवंती को जीता था इन्होंने, इसके अलावा सौराष्ट्र को भी जीता था, और वहाँ पर इन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई थी। अब ये जो सौराष्ट्र को जीता था, इसको जीतने के बाद यहाँ इन्होंने पुष्यगुप्त वैश्य को यहाँ का क्या बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक अधिकारी बना दिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सौराष्ट्र का इस समय किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सो ही वॉज पुष्यगुप्त वैश्य। ये नाम याद रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए।
तो जैसा कि हमने देख लिया कि सौराष्ट्र को जीत लिया और वहां पुष्यगुप्त वैश्य को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। अब हम बात कर रहे हैं अब जैन एपिक की, राम चूड़ राय चरित्र की। इस जैन टेक्स्ट में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महेश्वर के जो किंग हुआ करते थे उनके साथ इनके रिलेशंस थे। तो यहां से हमको ये देखने को मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महेश्वर के राजा के साथ भी संबंध थे। और ये किससे हमको पता चलता है, जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम है रमण चूड़ राय चरित्र, इससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है संबंध किससे थे, महेश्वर के राजा के साथ इनके संबंध थे। तो हमने देख लिया सौराष्ट्र को भी जीत लिया था, वहां पुष्यगुप्त वैश्य नाम के व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। और रमण चूड़ राय चरित्र से हमको ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध महेश्वर के राजा के साथ हुआ करते थे। इसके अलावा एक हमें पिक्चर देखने को मिलती है रत्नमंजरी की, जो कि महेश्वर के राजा की बेटी थी। और ये पिक्चर हमें देव यवन पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है। तो राजा के ही आदेश पर इसको किडनैप किया गया था, अमरदत्त और मित्रानंद के द्वारा उज्जैन से इसको किडनैप किया गया था। और ये हमें जो है इसी एपिक में, इसी ग्रंथ में इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये मैंने आपको कुछ अवंती इन्वेजन से संबंधित बातें बताई हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं स्टेट एक्सपेंशन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कई स्टेट्स को और सदर्न इंडिया को भी इन्वेड किया था, जीता था। जैसा कि अभी हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र को जीता गया था, नॉर्दर्न इंडिया को भी जीता गया था, और सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य नाम के व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया था। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो आर्मी थी, जो इन्वेजन के लिए जो आर्मी लेके जाते थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो कई ज्योग्राफिकल टेरिटरीज जो है मध्य प्रदेश की कई ज्योग्राफिकल टेरिटरीज से ये आर्मी को साथ में लेके जाया करता था। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश का संबंध कहीं ना कहीं मौर्यंस के साथ रहा, ये बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर की बात करें तो हिंदू कुश माउंटेन से लेकर के बंगाल में, और अगर हम बात करें यहां तो हिमालयन रेंजेस में नॉर्थ से लेकर के साउथ में कृष्णा नदी तक, इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। तो इस बात से, इस एक्सटेंशन को अगर हम देखें तो इससे ये पूरी तरह से क्लियर होता है कि ये जो बाउंड्रीज हमको देखने को मिल रही हैं, तो मध्य प्रदेश जो है ये इसके एम्पायर का एक पार्ट रहा। मध्य प्रदेश वॉज टोटली द पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो यहां से हमने फिर से क्या देख लिया कि मध्य प्रदेश जो है मौर्यन से कनेक्टेड रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पुराणास की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 24 साल तक शासन किया, ऐसा हमें पुराणों से पता चलता है। लेकिन अपने लास्ट इयर्स में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसका शासन पर कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, कोई रुचि नहीं रह गई थी। तो इसके द्वारा 298 BC में अपने शासन जो है अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया गया था, और खुद के द्वारा जो है जैन फिलॉसफी, आप कह सकते हैं जैन धर्म की दीक्षा ले ली गई थी। और अपने अंतिम दिनों में एक जैन संत थे भद्रबाहु, उनके साथ ही साउथ चले जाते हैं, कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, और वहां जो है आप कह सकते हैं स्टारवेशन करते हैं, और ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसी चीज को जैन रिलीजियन में संलेखना कहा गया है। क्या कहा गया है? संलेखना कहा गया है। तो जब ये साउथ जा रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य साउथ जा रहे थे, तो रास्ते में जो है ये उज्जैन में कुछ दिनों के लिए भी रुके थे। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश से होते हुए ये साउथ गए थे, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये कुछ दिन यहाँ पर रुके थे। तो आपसे फिर से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम दिनों में साउथ श्रवण बेलगुला जा रहे थे भद्रबाहु के साथ, तो मध्य प्रदेश में ये किस जगह पर रुके थे? तो ये उज्जैनी में कुछ दिनों के लिए रुके थे, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि दक्षिण भारत को भी
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था, ही ऑल्सो इन्वेडेड द साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, तो इस बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो मैं बात कर रहा हूँ एहनानूर की, जो कि एक तमिल टेक्स्ट है, हमें तमिल टेक्स्ट एहनानूर से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और तमिल टेक्स्ट है मुरनारू, इससे भी हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है साउथ को इन्वेड किया था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूलर बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड हमें 298 बीसी से 273 बीसी तक देखने को मिलता है। अब बिंदुसार के बारे में जब हम बात करेंगे तो बिंदुसार के भी कुछ और हमको अदर नेम्स मिलते देखने को। अगर हम बात करें ग्रीक टेक्स्ट की, तो ग्रीक टेक्स्ट में हमें इसका नाम अमित्रोचेट्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अमित्रोचेट्स। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या मिल जाता है कि अमित्रोचेट्स ये शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया था? सो इट वॉज फॉर बिंदुसार। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जो ग्रीक टेक्स्ट थे उसमें हमें बिंदुसार के लिए अमित्रोचेट्स वर्ड देखने को मिलता है। अदर देन दिस, अगर हम वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में हमें मद्रसार, बिंदुसार के लिए मद्रसार नाम देखने को मिलता है किसमें? वायु पुराण में। एंड इफ आई टॉक अबाउट जैन टेक्स्ट, तो जैन टेक्स्ट में हमें इसके लिए सिंगसेन वर्ड यूज देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ग्रीक टेक्स्ट में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है, एंड इफ आई टॉक अबाउट वायु पुराण, देन इन वायु पुराण इनको मद्रसार कहा गया है, एंड इन जैन टेक्स्ट बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम में आती हैं बातें। देन बिंदुसार के समय में कुछ एम्बेसडर्स के द्वारा इनकी कोर्ट में विजिट किया गया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस किस के द्वारा बिंदुसार के समय में विजिट किया गया था। तो हम बात करेंगे, एक साइरियन रूलर हुआ करता था जिसका नाम था एंटियोकस, इसके द्वारा जो है डायमेकस नाम के व्यक्ति को भेजा गया था। तो डायमेकस, एक नाम आपको याद रखना होगा डायमेकस, जो कि एंटियोकस का कौन था? दूत था, एम्बेसडर था। अदर देन दिस, एक और व्यक्ति आया था, एक और दूत आया था एम्बेसडर, जिसका नाम था डायनोसियस। कौन आया था? डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है टॉलमी टू फिलाडेल्फस का दूत था ये। तो ये दो अलग अलग मैंने आपको नाम दिए, डायमेकस एंड डायनोसियस। तो डायमेकस जो है ये एंटियोकस का एम्बेसडर था, और जो डायनोसियस था ये टॉलमी टू फिलाडेल्फस का एम्बेसडर था। ये आपको याद रखना होगा, इन दोनों के द्वारा जो है बिंदुसार के कोर्ट में विजिट किया गया था। डायमेकस एंड डायनोसियस, ये टू एम्बेसडर्स थे, दे विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। नाउ अब यहाँ पर एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, एक ग्रीक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था एथनियस। क्या नाम था? एथनियस। थोड़े से अगर आप लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो एथनियस ने अपने एक लेटर में, आप कह सकते हैं बिंदुसार और जो एंटियोकस फर्स्ट था इनके बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, एक पत्राचार हुआ था, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें बिंदुसार के द्वारा जो है एंटियोकस फर्स्ट से कुछ तीन चीजें डिमांड की गई थी। कौन कौन सी? स्वीट लिकर, सेकंड वन वाज ड्राई फिग, सूखी अंजीर, एंड थर्ड वन वाज अ फिलोसोफर, एक दार्शनिक। तो पहले तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि इस तरह का कम्युनिकेशन, एक कॉरेस्पॉन्डेंस किस किस के बीच में हुआ था? तो बिंदुसार और एंटियोकस फर्स्ट के बीच में हुआ था। तो कौन सी तीन चीजें बिंदुसार के द्वारा मांगी गई थी? स्वीट लिकर, ड्राई फिग्स एंड अ फिलोसोफर। ये तीन चीजें बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस फर्स्ट से डिमांड की गई थी। तो जो फर्स्ट टू थिंग्स थी, स्वीट लिकर एंड ड्राई फिग्स, ये तो एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार को भेज दी थी, लेकिन थर्ड जो फिलोसोफर मांगा गया था ये एंटियोकस फर्स्ट ने देने से मना कर दिया था। ही सेड कि हम लोग इनको बेचते नहीं है, फिलोसोफर्स कैन नॉट बी सोल्ड। तो ग्रीक लॉ में ऐसा होता है, वहां लिखा हुआ है कि फिलोसोफर्स कैन नॉट बी सोल्ड। तो इस कारण इनको जो तीसरी चीज इन्होंने डिमांड करी थी वो इन्हें नहीं मिली थी। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिंदुसार ने जो है अपने फादर की पॉलिसी को ही फॉलो किया था, एंड ही डिवाइडेड हिज स्टेट्स इनटू मेनी प्रोविंसेस, और इनके लिए ही अपॉइंटेड कुमार्स इन ईच प्रोविंस।
अब उसी में से हमें एक नाम देखने को मिलता है सुशीम का. सो ही वॉज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर इन तक्षशिला. तो आपको क्वेश्चन एक और बन गया यहां से, हु वॉज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर इन तक्षशिला. सो ही वॉज सुशीम. अब तक्षशिला में एक रिवॉल्ट होता है एंड ये सुशीम जो है इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. तो अशोका वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवॉल्ट एंड अशोका ही सप्रेस द रिवॉल्ट विदाउट एनी वॉर. तो ही वेरी पीसफुली सप्रेस द रिवॉल्ट जो कि तक्षशिला में हुआ था. तो अशोक को जो है बिंदुसार के द्वारा बाद में यहां का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर कहां का अवंती स्टेट का बना दिया गया था. तो ये हमें कहां से पढ़ने को मिलता है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये जानकारी हमें दिव्य वदान से मिलती है कि ये ऐसी घटना घटी थी. तो अशोका ने जो है उज्जैन में, या आप कह सकते हैं उज्जैनी में, 11 वर्षों तक शासन किया था. और ये इंफॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं कि जब उसके शासन का समय चल रहा था उज्जैनी में, जब ये शासन कर रहा था, तो इसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके फादर बिंदुसार जो है ये बीमार है. ये तत्काल जो है मगध पहुंचता है अशोक, लेकिन वहां जाने पर उसको ये पता पड़ता है कि बिंदुसार के द्वारा जो है सुशीम को उनका सक्सेसर अपॉइंट कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है. ये बात अशोका को पसंद नहीं आती है. 269 BC में इनकी डेथ हो जाती है एंड दे ऑल स्ट्रगल फॉर द थ्रोन. तो सुशीम अशोक इन सभी के बीच में आप कह सकते हैं आगे स्ट्रगल्स होते हैं, वॉर होते हैं, और अशोक जो है सुशीम को मार देते हैं. और यही नहीं, अपने इन्होंने अपने 99 भाइयों को, ही किल्ड 99 ब्रदर्स टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ मगध. बड़ी ही आप कह सकते हैं हमें बुद्ध टेक्स्ट ये पता पड़ता है. और ये बहुत ही अजीब बात भी देखने को मिलती है ना, कि मगध के सिंहासन के लिए अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों का वध कर दिया जाता है. खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टर्म 273 BC से 232 BC हमें देखने को मिलता है. अब अशोका का जो कोरोनेशन हुआ था, जो राज्याभिषेक हुआ था, वो 269 BC में हुआ था. ये याद रखना होगा आपको कि टर्म तो हमें 273 BC से पढ़ने को मिलता है, लेकिन इनका जो कोरोनेशन हुआ था वो 269 BC में हुआ था. अब हम बात कर रहे हैं दिव्य वदान और सिनेलिस की. इससे हमें अशोका के इनिशियल लाइफ के बारे में पता पड़ता है. अगर हम बात करें मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों की, रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इससे हमें इनका जो नाम था अशोका ये मिलता है. अशोका नेम हमें मास्करी और गुर्जरा के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है. देन अदर देन दिस, अगर हम पुराणों की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट पुराणास, इनका नाम हमें अशोका वर्धन देखने को मिलता है. पुराणों में इनका नाम हमें अशोका वर्धन देखने को मिलता है. और अगर हम बात करें महाबोधि डायनेस्टी एंड तारानाथ की, तो इन्होंने जो है अपने भाइयों का मर्डर किया था. और अगर हम बात करें सिंगली अनुश्रुति की, तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों का वध किया था. ही स्लॉटर्ड हिज 99 ब्रदर्स टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ मगध. सो दिस इज समथिंग अबाउट अशोका. इफ वी टॉक अबाउट बुद्ध टेक्स्ट, तो अशोका को यहाँ पर कई तरीके से परसीव किया गया और कैटेगराइज किया है. चंड भी कहा गया इनको, एक एंग्री किंग भी कहा गया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि चंड या एंग्री किंग किसके लिए ये यूज किया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि ये अशोका के लिए ही यूज किया गया था. देन बुद्ध टेक्स्ट में इनको धम्म राजा और देव नाम प्रिय, चंड अशोका और काला अशोका, ऐसे शब्द भी इनके लिए प्रयोग किए गए हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि धम्म राजा या देवनाम प्रिय या चंड अशोक या काला अशोक ये किसके लिए, या आप उपनाम थे, तो ये सब अशोक के लिए ही ये वर्ड्स बुद्ध टेक्स्ट में इस्तेमाल किए गए हैं. अदर देन दिस, इफ यू टॉक अबाउट पुराणास, तो इसमें अशोक वर्धन कहा गया है. पुराणों में क्या कहा गया इनको, अशोक वर्धन कहा गया है.
अगर मैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो इसमें अशोक के लिए देव नाम प्रिय वर्ड यूज किया गया है, प्रियदर्शी, एंड दीपवंश की यदि हम बात करें तो यहां पर प्रियदर्शी और प्रियदर्शन ये हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं अशोक के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सभी नाम जो है अशोक के लिए देखने को मिलते हैं। अगर हम मास्की और गुर्जरा अभिलेख की बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और कंगनहल्ली जो कि कर्नाटका में है, तो यहाँ से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इनमें हमें अशोक का नाम अशोका ही मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से हमें इनका नाम अशोका मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा और कंगनहल्ली कर्नाटका में है ये आपको याद रखना होंगे। अदर देन दिस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये सब कई नाम हैं, तो प्राइमरी जो नेम था इनका वो अशोका था, वेयर एज प्रियदर्शी और जो प्रियदर्शन था ये इनके टाइटल्स थे। तो प्रियदर्शी और प्रियदर्शन जो है ये इनके टाइटल्स थे, लेकिन प्राइमरी जो इनका जो मुख्य नाम था वह क्या था, अशोका ही था। तो हमने देखा कि बहुत सारे इनके नाम थे। अब जब इनकी डेथ हो जाती है, बिंदुसार की जब डेथ हो जाती है, तो अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी के एम्परर बन जाते हैं, एंड इनका जो मोस्ट पॉपुलर टाइटल होता है वह होता है देव नाम प्रिय एंड देव नाम प्रियदर्शी। क्या क्या बताया मैंने आपको, देव नाम प्रिय एंड देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। और ये जो इनके द्वारा ये जो दोनों आप कह सकते हैं टाइटल या जो नाम रखे गए थे, ये एक ईरान के जो रूलर थे दारा प्रथम, दारा फर्स्ट, उनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद ये इन्होंने इस तरह के टाइटल्स रखे थे, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी। तो कोरोनेशन के पहले अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन इटसेल्फ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी इटसेल्फ। अब हम बात कर रहे हैं कलण की राज तरंगनी की। तो कलण की राज तरंगनी से हमें ये पता पड़ता है कि अशोका जो था ही वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा, गॉड शिवा के ये भक्त थे, एंड ही एस्टैब्लिश द सिटी कॉल्ड श्रीनगर। इन्होंने एक श्रीनगर नाम की एक सिटी विदस्ता नदी कश्मीर में स्थापित भी करी थी, एस्टैब्लिश भी करी थी। तो एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है कि हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर ऑन द बैंक्स ऑफ विदस्ता रिवर, सो ही वॉज अशोका। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कलण की राज तरंगनी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस पेज में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है बातें। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ विदिशा की, जिसका प्राचीन एंशियंट नेम जो है भेलसा हुआ करता था। तो उस समय जो है विदिशा ट्रेड एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और अशोका एक बार जब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में विदिशा रुकते हैं, और वहाँ के एक प्रधान सृष्टि थे वहाँ उनके यहाँ जा कर के रुकते हैं, और उनकी डॉटर से मुलाकात होती है जिनका नाम महादेवी था, और यहाँ दोनों आपस में आप कह सकते हैं शादी कर लेते हैं, तो दे गॉट मैरिड विथ ईच अदर। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर से बन जाता है कि ये नाम आपको याद रखना होगा महादेवी का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अशोका ने जो है अपनी जनपद को, अवंती जनपद को दो भागों में डिवाइड किया था। सो ही डिवाइडेड हिज अवंती जनपद इनटू टू पार्ट्स, सो नॉर्दर्न अवंती एंड सदर्न अवंती। अब नॉर्दर्न अवंती की जो कैपिटल थी इट वाज उज्जैनी, एंड जो सदर्न अवंती थी उसकी जो कैपिटल थी इट वाज महेशमती। तो उज्जैनी में जो है अशोक ने जो है लगभग 11 साल तक शासन किया था, सो ही रूल्ड फॉर अराउंड 11 ईयर्स इन उज्जैनी। अब अगर हम इनके इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, मैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, तो हमें रूपनाथ जबलपुर में मिलता है, इसके अलावा गुर्जरा ये दतिया में है, इसके अलावा पान गुडारिया सीहोर में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा, पान गुडारिया सीहोर जिले में आता है, रूपनाथ जबलपुर में, और गुर्जरा जो है दतिया में आता है। तो इससे हमें ये सब क्लियर होता है कि ही ऑक्यूपाइड ऑल द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर या अशोका की एक्टिविटीज लगभग सभी जगह पर देखने को हमें मिली हैं। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा शासक था, ही वॉज
ग्रेट किंग इन द वर्ल्ड, एंड आप कह सकते हैं कि ये उज्जैनी का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, गवर्नर भी था पहले। और इनकी अगर आपसे पूछा जाए अशोका की कि प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, तो ये उज्जैनी से ही हुई थी। इसके अलावा ये आप सब जानते हैं कि सिंह और जो चक्र है ये अशोका के स्तंभ से ही लिया गया है, एंड सिंबल ऑफ अशोका कैन बी ऑफ उज्जैन इटसेल्फ। अब एक वॉर हुआ था जिसे कलिंग वॉर कहा जाता 261 BC में। सभी लोगों ने ये सुना और पढ़ा होगा, क्योंकि इसके बाद जो है अशोका का हृदय परिवर्तन होता है। कब हुआ था? तो इनके कोरोनेशन के 8वें साल हुआ था, 8th ईयर ऑफ द कोरोनेशन। तो ये आपको याद रखना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इस समय यहाँ का जो कलिंग का जो रूलर था ही वॉज नंदराज, और यहाँ का रूलर नंदराज था ये जानकारी हम लोगों को हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो एक और क्वेश्चन ये यहाँ से निकल के आता है कि जो रूलर था कलिंग का नंदराज था, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीजंस थे कलिंग पर जो आक्रमण किया गया था अशोक के द्वारा, जो कलिंग इन्वेजन किया गया था अशोका के द्वारा, तो क्या कारण थे? तो एक कारण तो बताया जाता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था कलिंग, ऐसा पिल्ली ने बताया है। और कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि हाथियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो हाथियों की इसको बहुत चाहत थी अशोका को, तो हाथियों के लिए ही इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये दो कारण मुख्यतः बताए जाते हैं। अब आइए हम लोग कलिंग वॉर और मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 261 BC में कलिंग वॉर होता है, और यहाँ जो राजा था, यहाँ का किंग था नंदराज, ही वॉज डिफीटेड बाई अशोका। लाखों लोग यहाँ मारे जाते हैं, और युद्ध के बाद जब अशोका देखता है ये सब, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, और यहाँ से वो डिसाइड कर लेता है कि अब इसके बाद में कोई और जीवन काल में कोई युद्ध नहीं करूँगा। नॉन वायलेंस और पीस का रास्ता ही अपना लेता है यहाँ से, और कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं उसके लाइफ में, जीवन काल में कई तरह के परिवर्तन भी आ जाते हैं। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि हम कैसे मध्य प्रदेश को कोरिलेट करने वाले हैं कलिंग वॉर से। तो अगर हम बात करें तो ये कलिंग जो है ये मगध की बॉर्डर्स में, मगध राज्य की बॉर्डर्स में, और आप कह सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है उसके कोस्ट में ये लोकेटेड था। मध्य प्रदेश से तो काफ़ी दूरी में था ये, लेकिन जब अशोक जो है ये कलिंग रूलर को हरा देते हैं, कलिंग को जीत लेते हैं, तो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाखों लोग मारे जाते हैं, और इस युद्ध के बाद जो है अशोक जो है बुद्ध धर्म को अपना लेता है, अडॉप्टेड द बुद्ध रिलीजन, एंड ही रेलिंक्विश्ड द पॉलिसी ऑफ स्टेट एक्सपांशन, उसके द्वारा जो स्टेट एक्सपांशन की जो नीति थी उसको भी त्याग दिया जाता है। और अब क्या होता है, वो धम्म को अडॉप्ट कर लेता है, और लोगों से वो कहता है कि आप लोग भी इस नए रिलीजन, नए धर्म, धम्म को आप लोग भी अपनाइए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि उसने पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस और जो है पीस को अपनाया इन प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ वॉर। यही रीजन है कि हमें इतने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं बुद्ध रिलीजन से संबंधित, जो कि अशोका के पीरियड को ही आप कह सकते हैं मार्क करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं बुद्ध से संबंधित, बौद्ध रिलीजन से संबंधित, अशोका के पीरियड को जो मार्क करते हैं। तो अशोक के द्वारा कई जगह पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप, चैत्य विहार, इन सब का निर्माण कराया गया था, और बुद्ध से संबंधित जो आर्ट था उसको भी प्रमोट किया गया था। तो इसकी डेथ के बाद जो है 50 साल तक इसके सक्सेसर जो हैं यहाँ पर शासन करते हैं। आइए हम लोग अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। अब बुद्धिज्म में जो दीक्षा ली गई थी अशोक के द्वारा, तो उसमें जो प्रोमिनेंट जो नाम आता है वो आता है उपगुप्त का। किसका नाम आता है? उपगुप्त का। ये आप लोगों को नाम याद रखना होगा। और
जो दूसरा नाम आपको याद रखना है, मोगली पुत्र तिस। उपगुप्त और मोगली पुत्र तिस के से जो है इनके, इन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी, टीचिंग्स ली थी, प्रीचिंग्स ली थी। अब दो क्वेश्चन आपको और बनते हैं, अशोक के द्वारा बोधगया की यात्रा की गई थी तो कब की गई थी? अपने शासन के 10वें वर्ष, 10th ईयर ऑफ हिज रूल। तो ये जो 10th ईयर मैंने यहाँ लिखा, ये आपको याद रखना होगा, इसको मार्क कर दिया मैंने, इसीलिए ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्होंने लुम्बिनी की भी यात्रा करी थी, तो 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, राज अभिषेक के 20वें वर्ष इन्होंने जो है लुम्बिनी की यात्रा करी थी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना होंगी, यहाँ 10वें साल उनके शासन की और यहाँ राज्यभिषेक के 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी थी। अब जब इन्होंने बुद्ध रिलीजन को कलिंग वॉर के बाद अपना लिया था, तो ये देवनाम प्रिय और धम्म राजा के नाम से जाने जाने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने धम्म को अपनाया था और लोगों से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग भी इस नए रिलीजन धम्म को अपनाइए। तो ये जो है धम्म राजा कहलाने लग गए थे और देवनाम प्रिय तो ये कहे ही जाते थे पहले से। अब अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अवंती और चेदी जो जनपद थी मध्य प्रदेश की, इसके बारे में पढ़ा था। तो अशोका के समय भी ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के। नाउ अबाउट कुनाल। सो कुनाल वॉज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। ही वॉज अ वेरी कैपेबल रूलर एंड ही एडमिनिस्ट्रेटेड वेरी सक्सेसफुली इन उज्जैन। लेकिन इनके बारे में जैन और बौद्ध टेक्स्ट में ये कहा गया है कि ये जो है ब्लाइंड थे, इनको जैन और बौद्ध टेक्स्ट में ब्लाइंड पोर्ट्रे किया गया है। और ऐसा भी बताया गया है कि अशोका की किसी पत्नी के द्वारा ही कुणाल को जो है अंधा भी कर दिया गया था, और इसके बाद जो है अशोक काफ़ी दुखी भी हुआ था। तो अवंती से जो भी टैक्स कलेक्शन होता था वो पूरा टैक्स जो है कुणाल को ही अपोर्शनेट कर दिया गया था, पूरा पूरा आप कह सकते हैं कुणाल के पास ही आता था। तो जैसा कि हमने देखा था कि अशोक के 4 बेटे थे, महेंद्र, तिवार, कुणाल और जालोक। तो जब अशोका की डेथ हो जाती है तो मौर्य एम्पायर डिवाइड हो जाता है, महेंद्र जो थे वो बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, तिवार की डेथ हो जाती है, कुणाल जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है उज्जैनी का। अशोका के समय में ही ये यहाँ का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। इसकी जो बेसिक एजुकेशन हुई थी वो उज्जैन से ही हुई थी, आप कह सकते हैं कि सारी एजुकेशन इसकी उज्जैन से ही हुई थी। एक ये योग्य शासक भी सिद्ध हुआ, इसने यहाँ पर जो शासन किया वो काफ़ी सक्सेसफुली भी किया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बुद्ध और जैन टेक्स्ट में इसको ब्लाइंड पोर्ट्रे किया गया है, और हमें ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं कि अशोका की कोई एक रानी थी, कोई एक क्वीन थी, जिसके द्वारा कुणाल के विजन को ख़त्म कर दिया गया था, इसे अंधा बना दिया गया था, और इसके बाद अशोक काफ़ी दुखी भी हुआ था। इसी कारण जो है अशोक ने जो अवंती से जो टैक्स जो आता था वो पूरा पूरा आप कह सकते हैं कि कुणाल को अपोर्शन कर दिया था। और हमें जो है वायु पुराण से ये पता चलता है कि कुणाल ने जो है लगभग 8 साल तक उज्जैनी पर शासन भी किया था। अब आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका ही रूल्ड इन उज्जैन एज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, और आफ्टर हिम, आफ्टर कुणाल, हिज सन संप्रति बिकेम द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ उज्जैनी। तो कुणाल के बाद जो है यहाँ का शासक संप्रति बनता है। सो आफ्टर कुणाल संप्रति बिकेम द रूलर ऑफ उज्जैन। तो जैसा कि हमने देखा था कि अशोका की डेथ होती है और उसके बाद जो है जो मौर्यन एम्पायर था वो डिवाइड हो जाता है, और कुणाल जो है वो उज्जैनी का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। लेकिन एक और जो इसका सन था अशोका का, जालोक, ये क्या करता है, ये कश्मीर जाता है, वहाँ पर अपना एक एम्पायर जो है वहाँ इस्टेब्लिश कर लेता है। और अब यहाँ से हमको मौर्यास की जो है यूनिटी आप कह सकते हैं ब्रेक होती हुई दिखाई देने लग जाती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अभी संप्रति की। तो ये जो है कुणाल की डेथ के बाद यहाँ का रूलर बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है, और ये धीरे धीरे जो है दक्षिणापथ और जो बाकी जो टेरिटरीज होती हैं उनको जो है अपने स्टेट में मिलाने लग जाता है। अब इसके बारे में, संप्रति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसने अपने
जो महल था इसके चारों दरवाजे खोल रखे थे, सभी तरफ से ये आप कह सकते हैं चैरिटी दान दक्षिणा दिया करता था, जो श्रमण्स होते थे उनको कपड़े देना। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसने ऐसी भी व्यवस्थाएं की हुई थी कि अगर होटलों से भोजनालय से जो भी खाना बचता था तो जो जैन संत होते थे उनको ये पहुंचवाया करता था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रजा थी इससे काफ़ी संतुष्ट थी, काफ़ी सेटिस्फाई थी। और इसका कहना था कि अगर आप मुझे जो है मुझे अगर आप राजा मानते हैं तो आप जो है किनकी पूजा करेंगे, श्रमण्स की आप पूजा करेंगे, यू शुड वर्शिप द श्रमण्स। अगर आप मुझे राजा मानते हैं तो आपको श्रमण्स की पूजा करना चाहिए, ऐसा इसका कहना था। इसके द्वारा अमाघात यानी डोंट किल आप कह सकते हैं ये एक पॉलिसी थी, और इसने कई सारे जैन चैत्याओं का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसने कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, आंध्र, कूर्ग, कर्नाटका वगैरह में आप कह सकते हैं कि जो संत होते थे उनको वॉरियर्स बना करके भेजा था, और इन स्टेट्स को जो है इन श्रवण्स के लिए रहने लायक बनाया था, इनको प्लीजेंट बना दिया था, एक कंफर्टेबल जोन बना दिया था श्रवण्स के लिए। तो संप्रति जो है एक काफ़ी बड़ी टेरिटरी का एक ओनर था, ऐसा हमें कई सारे लिटरेचर और टेक्स्ट से पता पड़ता है। तो इसकी कैपिटल तो जैनी थी, और हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था, लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी सेटिस्फाई थे। हेमचंद्र इन हिज परिशिष्ट वर्वन हैज डिस्क्राइब्ड द रिलेशन ऑफ संप्रति एंड उज्जैनी। तो एक अच्छी बात मैंने आपको बताई यहाँ पर कि हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से हमें संप्रति और उज्जैनी के संबंध के बारे में पता पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज द रूलर ऑफ मध्य प्रदेश, संप्रति वॉज द रूलर ऑफ मध्य प्रदेश। अबाउट द अदर रूलर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, अब संप्रति के बाद हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था ये वीक होने लग जाता है, और यहाँ से मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इनके जो संप्रति के जो सक्सेसर थे वो यहाँ पर बहुत अच्छे से शासन नहीं चला पाते हैं, दे कुड नॉट रूल प्रॉपरली, और इनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी भी मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं पुराना बुद्धास की, तो हमें दशरथ, शालिशुक, देवशर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ, ये हमें कुछ नाम मिलते हैं जो कि संप्रति के बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा शासन किया गया होगा। दशरथ के द्वारा जो है लगभग 9 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया गया था, और दशरथ का जो सक्सेसर था वह शालिशुक हुआ। ये एक खुद एक अच्छा खासा वॉरियर था, बट वी डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। आफ्टर शालिशुक एंड देवशर्मन, शतधन्वन ने जो है लगभग 8 साल तक यहाँ पर और शासन किया था। तो ये हमें कुछ सक्सेसर्स के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ का जो लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, ये बृहद्रथ था। ये भी एक कह सकते हैं आप बौद्ध का फॉलोअर था। इसका एक प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, काफ़ी ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके अंडर में ही सारी की सारी आर्मी थी, किसके अंडर में, पुष्यमित्र शुंग के अंडर में। पुष्यमित्र के द्वारा जो है बृहद्रथ का मर्डर कर दिया जाता है 187 BC में, और इस तरह से जो है मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। सो द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ, ही वॉज किल्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग इन 187 BC, दस द मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट आर्किटेक्चरल आर्ट के बारे में। सो कंस्ट्रक्टेड ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट के ऑर्डर्स पर जो कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता था, जैसे कि स्तूप्स, पिलर्स, केव्स, विहार्स, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे फोक आर्ट की, इसमें जो भी पब्लिक के द्वारा चीज़ें बनाई जाती थी, जो इंडिपेंडेंट आर्ट आर्टिस्ट होते थे उनके द्वारा मूर्ति, टॉयज, आइडल्स, टॉयज एटसेट्रा बनाए जाते थे। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये दोनों तरह के एविडेंसेस देखने को मिले हमें, स्टेट आर्किटेक्चरल आर्ट और फोक आर्ट, दोनों तरह के हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगर हम फोर्ट्स की बात करें तो उज्जैन से और बेसनगर से हमें इस तरह के कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि मौर्यन एम्पायर के स्टेट
की इम्पोर्टेंस को प्रदर्शित करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे फोर्ट्स के, जो कि लकड़ी से बने हुए थे, वुड से बने हुए थे, हमें गढ़कालिका उज्जैन से प्राप्त होते हैं। ये यहाँ के राजाओं के पैलेस थे, महल थे। तो ये काहे के बने हुए थे? ये वुड के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। और हमें आपको याद रखना होगा, ये इस तरह के एविडेंसेस जो प्रोमिनेंट वन है वो गढ़कालिका उज्जैन से हमें इस तरह के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो विदिशा, नागदा, आवरा, त्रिपुरी, तुमैन, कुटवाल, सोरोन, मेहरा बुजुर्ग, भिंड, और अशोका ने जो है एक महल विदिशा में भी बनवाया था। अशोका कंस्ट्रक्टेड वन पैलेस इन विदिशा ऑल्सो। ये याद रखिएगा, विदिशा का नाम आपको दो जगह भी देखने को मिल गया होगा। अशोका ने वहाँ पर स्टे किया था और महादेवी नाम की एक कन्या महिला के साथ विवाह भी किया था। और एक यहाँ हमें महल बनाने का भी एविडेंस मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। अब अगर हम त्रिपुरी की बात करें तो यहाँ जो एक्सकेवेशंस हुए थे, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन बिल्डिंग्स। तो जो मौर्य के जो भवन थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उनकी जो दीवारें थी, जो हाउस की, जो मकान की, जो भवनों को दीवारें थी, वो मड यानी मिट्टी की बनी हुई थी। और कुछ जगह पर हमें बेक्ड ब्रिक्स की भी बनी हुई मिलती हैं। जो सीलिंग्स थी, जो छत थी, वो वेदर्ड टाइल्स, हिंदी में हम लोग उनको खपरेल कहते हैं, उनकी बनी हुई थी। और जो फ्लोर थे वो लाइम चूने के बने हुए मिले थे, उनको प्लास्टर किया जाता था चूने से फ्लोर्स को। तो इस तरह के हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? त्रिपुरी से। आइए अब हम लोग स्तूपास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सांची स्तूप है। ये विदिशा से अगर आप भोपाल की तरफ चलते हैं तो 10 किलोमीटर दूर सांची आता है, लेकिन ये रायसेन जिले में आता है। और विदिशा से रायसेन जो है लगभग 27 से 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस जिले में आता है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बात मैंने आपको बताई। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसको विदिशा जिला लगा करके आ जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा, इट इज़ सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सांची का फोटो भी लगा करके दिया इमेज। अब यहाँ पर कई सारे जो है स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया था सांची की जो पहाड़ी है वहाँ पर। और लगभग 3rd century BC से 9th century BC के बीच में ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए थे। मुख्यतः अगर हम देखें मेनली, तो यहाँ जो है तीन मुख्य स्तूप हैं। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप हमको देखने को मिलते हैं सांची में, लेकिन 3 main stupas are there। अब सांची वॉज नोन एज वेदसगिरी, और इसे चैत्यगिरी या काकनाव भी कहा गया था 1st century BC में। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, सांची को वेदसगिरी या चैत्यगिरी, और 1st century BC में इसे काकनाव भी कहा गया था। लेकिन आगे चल करके कुछ समय बाद जो है इट केम टू बी नोन एज काकनाद बोट, श्री महाविहार, बोट श्री माउंट एटसेट्रा। तो इस तरह के हमें कई और नाम सांची के देखने को मिले, काकनाद बोट, श्री महाविहार, बोट श्री माउंट एटसेट्रा। इस तरह के कुछ और नाम भी हमें सांची के देखने को मिलते हैं। हो सकता है इसमें से आपको कुछ टिक करवा लिया जाए कि कौन से और अन्य नाम सांची के देखने को मिले हैं, तो ये आप सब याद रखिएगा। अब मैं बात करूं अगर सांची के स्तूप के रेनोवेशन की, तो ये जो रेनोवेशन का काम है ये सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था 1912 से 1920 के बीच में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर से बनता है कि रेनोवेशन ऑफ सांची स्तूपाज ये किसके द्वारा किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्तूप है वो स्तूप नंबर 1 है, जिसे बुद्ध महास्तूप कहा जाता है। स्तूप नंबर 1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तूप, विच इज नोन एज बुद्ध महास्तूप। अब अशोका की बात हम कर रहे हैं, सो ही कंस्ट्रक्टेड द बुद्ध महास्तूप इन 3rd century BC। और ओरिजिनली ये जो है ब्रिक्स का बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था। ये आपको याद रखना होगा कि अशोका के द्वारा जो है इस बुद्ध महास्तूप को 3rd century BC में बनाया गया था, और ओरिजिनली ये ईंटों का ब्रिक्स का बना हुआ था।
अब यहां क्या है, तो यहां महास्थविर महामूद गलियान की जो है बोन्स है, और साथ में सरीपुत्र इनकी बोन्स यहां पर स्तूप में सुरक्षित हैं। अगर आपसे इस स्तूप का डायमीटर पूछा जाए तो डायमीटर इज 120 फीट, हाइट इज 54 फीट अप्रोक्सीमेटली। तो डायमीटर लगभग इसका 120 फीट है और हाइट इसकी लगभग 54 फीट हमें देखने को मिलती है। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं स्तूप से संबंधित, जो स्तूप नंबर 1 है उनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट स्तूप हम लोग पढ़ेंगे सतधारा स्तूप के बारे में, ये भी सांची के पास में ही है, लोकेटेड नियर सांची, और इसको डिस्कवर किया था कनिंघम के द्वारा 1853 में। तो आपको याद रखना होगा ये सतधारा स्तूप जो है ये भी सांची के पास में ही है और कनिंघम ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ लगभग 40-40 स्तूप्स हैं, 17 विहार भी हैं यहाँ पर, और जो यहाँ का स्तूप नंबर 2 है उससे हमें बोन्स रिमेन्स महास्थविर महामूद गलियान और सारीपुत्र की ये भी यहाँ पर हमको मिलती हैं। अब अंधेर स्तूप, सो दिस इज लोकेटेड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम विदिशा। ये अंधेर स्तूप का मैंने आपको इमेज दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो 3 स्तूपास वेयर ऑप्टेंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अंधेर। नाउ सोनारी स्तूप, सो दिस इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स फ्रॉम सांची और यहाँ से लगभग 8 स्तूप ऑप्टेन किए गए हैं एक्सकेवेशन के दौरान। सो दिस इज सोनारी स्तूप। नाउ स्तूपास ऑफ भोजपुर, सो ये लगभग विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है भोजपुर के स्तूप, ये है भोजपुर स्तूप, और यहाँ से हमें 37 स्तूपास जो है एक्सकेवेशन में मिले थे। नाउ अबाउट भरत स्तूप, सो दिस इज लोकेटेड नियर नागौद सतना, सतना जिले में है ये, याद रखिएगा आप लोग। और ये कुछ रेमिनेंट्स जो हैं भरत स्तूप के, उसकी इमेज मैंने आपको डाली हुई है यहाँ पर भरत स्तूप से संबंधित। सो दिस स्तूप भरत स्तूप वॉज डिस्कवर्ड बाई कनिंघम है ना, एंड इन 1873। तो ये इसको भी कनिंघम के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था 1873 में। नाउ अदर देन दिस वी हैव स्तूपास ऑफ देवर कोठार, सो दिस इज लोकेटेड नियर रीवा इन त्योथर तहसील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर है ये? त्योथर तहसील रीवा में, कौन सा? देवर कोठार का स्तूप, ये देखिए ये है देवर कोठार का स्तूप। सो इसका जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है ये मौर्यन पीरियड में ही इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नाउ तुमैन स्तूप, सो इट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट गुना, याद रखिएगा तुमैन के जो स्तूप है ये गुना जिले में है, और 3 मौर्यन पीरियड बुद्धा स्तूपास वेयर ऑब्टेंड फ्रॉम दिस साइट। नाउ स्तूप्स ऑफ कसरावद, सो ये कसरावद खरगोन डिस्ट्रिक्ट में हमको मिले हैं, ये है ये साइट है इसकी, मैंने इमेज दी है आपको, ये छोटे छोटे स्तूपाज हैं यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। नाउ इट वॉज द बिग सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्ध रिलीजन, अगर आपसे पूछा जाए कसरावद जो है ये बुद्ध रिलीजन का एक काफी बड़ा सेंटर देखने को मिला था हमें। नाउ स्तूपास ऑफ महेश्वर एंड नवदा टोली, सो नॉर्थ एंड सदर्न कोस्ट ऑफ नर्मदा रिवर खरगोन जिले में ही है ये भी। सो महेश्वर और नवदा टोली स्तूपाज आपको खरगोन जिले को टिक करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का लेक्चर था जो कि मौर्यंस पर था, मध्य प्रदेश से संबंधित था ये लेक्चर, और मध्य प्रदेश का काफ़ी वेटेज अब हो गया है एग्ज़ाम्स में, हमारी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी बड़ा वेटेज रहेगा। तो कोशिश करें आप लोग मेरी सीरीज़ जो एमपी जनरल नॉलेज की चल रही है इसको आप लोग अवश्य देखें, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कवर कर सकूँ। आप लोग अपने घरों पर अपनी तैयारी को जारी रखिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार दोस्तों।